Vidhuti kalpanan jalam gambhir udar murtaye maman samanta badriya samanta trishe. Samadharaniye Sushri Radha Ganji, Ajasha is Savaki, Manspara Singh, Samast, Gandhi Shanti Padishanki, Sanchalak Mandalki, Sadhasegan, Paramadrini, Maria Grich, Shri Satpal Malviyaji, Dr. Trikhaji, Dr. Anand Kumar ji, aur bahut sa mere param mitra sahyogi yahan par upasthit hain, main sab ka naam dete rahun to bahut samay vitit ho jayega, isliye param mitra vrind, deviyon aur sajanon, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने कई महीने पहले मुझे ईमेल के माध्यम से पूछा गया था कि कभी गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यक्रम देना चाहिए, क्या समय है कि नहीं। तो मैंने ये देखा कि 13 तारीख को मैं पुणे से लौट रहा हूँ और 15 तारीख को यूके जा रहा हूँ, बीच में एक दिन का समय दिल्ली में मिलता है, तो गांधी प्रतिष्ठान मेरे लिए कोई नए स्थान नहीं है, वह समय से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ, यहाँ रहता भी रहा हूँ, बहुत से कार्यक्रम में शामिल होता रहा। और सुरेंद्र जी अनेक प्रकार से हमारा कल्याण मित्र रहे हैं, गांधी जी के कार्य के क्षेत्र में और तिब्बती समता के वर्ग के क्षेत्र में, और वैसा भी शैक्षणिक क्षेत्र में हम सब सहयोगी रहा है, तो उनका आगे टलना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने ये स्वीकार किया। लेकिन उस समय मुझे ये कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ पर मेरे वक्तव्य के अतिरिक्त बहुत कुछ कर्मकांड और भी होगा। मुझे अभिनंदन किया गया और अनेक प्रकार के परितोषियों से लादा गया, गौरव की बात है, मैं बहुत विनम्रता स्वीकार करता हूँ, परंतु ये मेरे लिए एक अपेक्षित कार्य नहीं था, तो इसलिए सुरेंद्र जी से मेरा ये शिकायत रहेगा कि आपने मेरे प्रति न्याय नहीं किया, थोड़ा बहुत स्नेहपूर्वक अन्याय किया है, लेकिन उसको हम विनम्रता से स्वीकार करेंगे। वक्तव्य से पहले एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ यहाँ पर आपसे निवेदन कर रहा हूँ वो मेरे अपने विचार हैं, और मैं किसी समूह की या संगठन की या संस्था की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। पिछले वर्ष की 8 अगस्त से लेकर के मैं सार्वजनिक जीवन से अपने को अलग रखने की
प्रक्रिया में हूँ, एक पूर्ण सेवानिवृत्त के रूप में रहने की और के संस्थागत कार्यों से या समूह की और जन समुदाय के कार्यों से अलग रहूं, इस प्रक्रिया में अभी मेरे प्रयासरत हैं। तो इसलिए जो कुछ मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा वो अत्यंत व्यक्तिगत विचार ही होंगे, और कुछ सूचनाएँ पुराना भी हो सकता है क्योंकि बहुत दिनों से संगठन में नहीं रहने के कारण अनेक सूचनाएँ मेरे बहुत संपूर्ण और आज की तिथि तक नहीं हैं, तो ये भी आप अपने विचार में रखें। सुरेंद्र जी से मेरे पत्र व्यवहार में मुझे ऐसा स्मरण है कि तिब्बत की वर्तमान परिस्थिति पर कुछ प्रकाश डालूं, लेकिन आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये तिब्बत मुक्ति साधना के विषय में कुछ कहने के लिए लिखा हुआ है। ये दोनों बहुत भिन्न तो नहीं हैं, परंतु पहले पत्र विहार की अनुसार मैंने इस बीच में कोई तैयार तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने दिमाग में कुछ बिंदुओं को एकत्रित किया है वह तिब्बत की वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित बिंदुयां हैं। विस्तार में ना जाते हुए हर बिंदुओं को सूत्र रूप में आपके समय रखने की प्रयत्न करूंगा। वह सारा सूचनाएं आपके समय कोई नई सूचना हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अधिकांश जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं वह तिब्बती समर्थक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी रहते हैं। परंतु मैंने उसको पुनः उत्पत्ति होने पर भी दोष नहीं समझा, क्योंकि इन सब बिंदुओं को मिला करके हम देखने की चेष्टा करेंगे तो तिब्बत की वर्तमान स्थिति का एक समग्र प्रतिबिंब या समग्र चित्रण या उससे आज के विश्व से और अपने आसपास के राष्ट्रों से क्या संबंध और प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक स्थूल रूप से परंतु समग्र रूप से पूर्ण रूप से देखने का अवसर मिलेगा, ऐसा सोच करके मैंने कुछ बिंदुओं को आपको स्मरण दिलाने की और वो भी बहुत संक्षेप में आपके ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने की प्रयास करूंगा। तिब्बत की वर्तमान स्थिति सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई आकस्मिक घटना से हुए परिस्थिति नहीं है, और मात्र 60 लाख तिब्बतियों से संबंधित कोई परिस्थिति है या घटना है ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। ये मेरे मानना है
परम पवन 14वें दलाई लामा जी बार बार इस बात को समरण दिलाते हैं कि यह तिब्बतियों का एक पृथक और निजी समस्या नहीं है, अपितु यह संपूर्ण मानव की एक व्यापक कठिनाई की समस्या की लक्षण के रूप में उभरा है। और जब तक इस व्यापक समस्या की हेतुओं को कारणों को खोज कर समझ कर अब उस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक पृथक तिब्बती समस्या की समाधान नहीं खोज पाएंगे, ऐसा उनका कथन है। उसको मैं अपने दृष्टि से सही मानता हूँ। अब पिछले 2,500 वर्ष की इतिहास को दृष्टि ढलेंगे तो तिब्बत हमेशा बहुत शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच में रहा है। एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, एक तरफ रशिया और एक तरफ मंगोलिया। ये सब के सब जनसंख्या की दृष्टि से, सैनिक शक्ति की दृष्टि से, आर्थिक शक्ति की दृष्टि से, राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से तिब्बत से बहुत अधिक शक्तिशाली रहा है। परंतु 13वीं शताब्दी में लगभग 35-40 वर्ष के समय को छोड़कर के बाकी जब तिब्बत के साम्राज्य 200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था तब से लेकर 1951 तक अधिकांश समय तिब्बत एक छोटा राष्ट्र होते हुए भी, एक बहुत कम जनसंख्या वाले होते हुए भी कभी किस दूसरा राष्ट्र के अधीन नहीं रहा। बराबर सबके साथ एक संकट पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र के रूप में रहा, इसलिए तिब्बत पर एक विशाल शक्तिशाली राष्ट्र की उपनिवेश होना, कब्जा करना यह मात्र शक्ति के प्रदर्शन अथवा मात्र एक राजनीतिक घटना नहीं थे। मंगोलिया ने जिंगिस खान के समय में तिब्बत पर कब्जा अवश्य किया था, लेकिन वो 40 वर्ष के अंदर ही तिब्बत की स्वाधीनता को तिब्बतियों के हाथ में सहर्ष सौंप दिया था। और बहुत निकट समय में भी देखें 1904 में ब्रिटिश इंडिया ने हासा तक पूर्ण रूप से सैनिक बल से कब्जा कर लिया था और वह तिब्बत को अपने अधीन बनाए रखना चाहते हो तो बना रख सकते थे। तिब्बतियों के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं थे कि ब्रिटिश सैनिकों के विरोध में शक्ति से अथवा अन्य कूटनीति से उबर सकें, लेकिन ब्रिटिश ने यही ठीक समझा कि तिब्बतियों को ऐसा छोड़ दिया जाए जो अपने ब्रिटिश इंडिया के लिए लाभदायक चीज़ थे वो कर लिया जाए, बाकी उनको अपने कब्जा में ना रखें। ऐसा सोच करके तिब्बतियों के साथ युद्ध विराम का संधि किया गया और उसके बाद 1913 और 1914 में शिमला संधि के माध्यम से दोनों देश एक बराबरी
संप्रभुता संपन्न देश मांग करके चार बार तिब्बतियों के साथ संधि किया और जिसके अंतर्गत जो कुछ व्यापार और व्यवसाय ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में होना था वो सब होते रहे। परंतु 1951 में जाकर के तिब्बत चीन के कब्जा में, क्यों किया, कैसा किया और उससे हम क्यों नहीं उबर पाए, यह एक व्यापक दृष्टि से अवलोकन करने की आवश्यकता है। चीन कम्युनिस्ट क्यों हुए, समयवाद क्यों हुए और दुनिया में समयवाद का उदय क्यों हुआ और जिसके चलते रशिया में और चीन में बहुत उथल पुथल और परिवर्तन क्यों हुआ, ये सारे के सारे आधुनिक सभ्यता और तथाकथित मशीनीकरण और औद्योगिकरण के एक नए कुसंस्कृत इस जगत में उत्पन्न हुआ पूंजीवाद के रूप में, और पूंजीवाद की विशाल शोषण की प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद, समयवाद, मार्क्सवाद ये सारे उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसके चलते दुनिया में दो महायुद्ध से लेकर और बहुत कुछ परिवर्तन को आप देख सकते हैं। मानसेतुंग के दिमाग में विश्व को मुक्त करने की एक परिकल्पना थी, वह पूंजीवाद और समयवाद की दुर्विचार धारा की संघर्ष की परिणति के रूप में ये विचार उनके मन में आया था और उस अभियान के लिए तिब्बत पर पूर्णतः कब्जा करना प्राथमिकता और अनिवार्यता उन्होंने समझा। तो इसलिए एक वैश्विक के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शोषित और शोषक वर्ग की संघर्ष की परिणाम स्वरूप विश्व में बहुत लोगों ने अनेक कठिनाएं झेले, अनेक परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन राजनीति संबंधित, सांस्कृतिक संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित बहुत कुछ हुआ। ये सारे के सारे मैं समझता हूँ मूल कारण पूंजीवाद की और साम्राज्यवाद की शोषण की प्रतिक्रिया में जो उसकी विरोध में समय के माध्यम नहीं मिला था उसको विरोध करने की, एक अहिंसा के माध्यम से उसकी विरोध किया जा सकता है ऐसा लोगों को जानकारी नहीं मिला, तो हिंसात्मक के प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में बहुत सा देश, बहुत सा जनता यूरोप एशिया दोनों में लाखों लोग जान गंवाएं और कतली आम हुआ, सांस्कृतिक नष्ट हुआ, ये सारे के सारे ये दो व्यवस्था की संघर्ष की सीधे अथवा अप्रोच रूप से उनकी परिणाम में हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए तिब्बत की समस्या एक संपूर्ण मानव की व्यापक संघर्ष और द्वंद्व के बीच में पीस गया हुआ ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। तो
तो इसलिए गांधी जी ने हिंद स्वराज में भारतवर्ष कैसा प्राधीन हुआ इस पर विचार बहुत गंभीरता से किया है। वही सारे विचार और तर्क तिब्बत के ऊपर भी पूर्णतः लागू होता है और तिब्बत की वर्तमान स्थिति में पहुंचाने के लिए दो ढाई सौ वर्षों से जो यूरोप एशिया दोनों में राजनीतिक और अर्थनीतिक के घटनाक्रम जो चला है उससे ये उत्पन्न हुआ है ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। तो इसलिए इसके समाधान एक समय के समाधान अगर हमको खोजना है तो मात्र बुद्ध और गांधी की उपदेशों के बीच में से जो द्वेष से द्वेष नहीं काटा जा सकते हैं मैत्री भावना से ही द्वेष को जीता जा सकते हैं यह सनातन धर्म है ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा और वही गांधी ने कहा। तो इस सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए हम इसके समाधान खोजना होगा अन्यथा जो भी जैसा को तैसा के रूप में जिस प्रकार की हिंसा से तिब्बतियों को यातना भोगना पड़ा है और उसी प्रकार की हिंसा से हम इसके समाधान खोजेंगे तो समाधान तो कभी मिलने वाला नहीं है लेकिन समस्या को निरंतरता से और आगे वृद्धि होते चले जाएंगी और जिसकी कोई अंत नहीं होगा। ये बात को परम पवन जी ने समझा और इस बात को परम पवन जी को समझ में आने में गांधी जी के उपदेशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है ऐसा मैं मानता हूँ। अहिंसा का सिद्धांत हजारों वर्ष प्राचीन है। गांधी जी ने कोई नए सिद्धांत निकाल करके हमको पहले बार बताया हुआ ऐसे बात नहीं है। भगवान बुद्ध भगवान महावीर और उस पहले भी ऋषि मुनि वेद वेदांग उपनिषद करीब करीब सभी प्राचीन भारतीय वांग्मय में सिद्धांतों में अहिंसा का महत्व प्रदर्शित होते आ रही हैं उपदेशित होते आ रही हैं लेकिन किसी भी शास्त्रा ने किसी भी उपदेशक ने अहिंसा को एक राष्ट्र की जीवन में एक समाज की संरचना में और एक राजनीतिक के संघर्ष में कैसा अपनाए जा सकते हैं यह उन लोगों ने नहीं बताया। भगवान बुद्ध की उपदेशित अहिंसा मात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आते हैं। आध्यात्मिक के साधना करते समय किस प्रकार से अहिंसा की साधना होगा ये तो बहुत विस्तार से हैं परंतु एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक देश की शासन को चलाने के लिए अथवा एक देश को किस बाह्य ताकत से मुक्त कराने के लिए अहिंसा की साधना कैसा चलाया जा सकता है यह किसने स्पष्ट रूप से उपदेश नहीं किया। इस जगत में प्रथम बार महात्मा गांधी ने इसको अपने कार्यों के द्वारा मात्र उपदेश के द्वारा नहीं अपने कार्यों के द्वारा अपने आचरण के द्वारा सिद्ध करके हम लोगों को बताया और जिसको देख करके तिब्बत की मुक्ति साधना भी पूर्णतः एक अहिंसा के रूप में बहुत बाद में 1967 तक हमारा आंदोलन आधा अहिंसक और आधा हिंसक रहा। 1967 और 1968 यहाँ पर आकर के
समस्त हिंसक के प्रतिक्रिया समाप्त हुआ तिब्बत के अंदर और तिब्बत के बाहर दोनों में सारे हमारे मुक्ति की प्रक्रिया अहिंसात्मक हो सका यह पूर्ण श्रेय महात्मा जी को जाते हैं। हम कृतज्ञ हैं और उनके उपदेशों को विशेष रूप से हिंद स्वराज के उपदेश को देख करके हमें एक नए दृश्य मिला है, दिशा मिला है कि राजनीति अर्थनीति और एक राष्ट्र के संघर्ष पूर्णतः अहिंसा के माध्यम से कैसा चलाया जा सकता है और उसमें संपूर्ण तिब्बत की जनता चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो कितना भी कठिनाएं क्यों ना झेलना पड़े तभी परम पावन जी के निर्देश अनुसार वो हिंसा में लिप्त नहीं हुआ अहिंसा में ही रह पाए ये आज हम लोगों का एकमात्र पूंजी है और एकमात्र संतोष की वस्तु है और इससे हम आगे भी संपूर्ण मुक्ति प्राप्त करने तक चला सकेंगे ऐसा विश्वास रखते हैं ये मैं आपसे कह सकता हूँ। वर्तमान तिब्बत के जो परिस्थिति हैं वह 1951 में तथाकथित 17 सूत्री संधि से प्रारंभ हुआ था। उस समय चीन के नेतृत्व के दिमाग में तिब्बत को पूर्णतः चीन के एक प्रांत के रूप में परिणित करने का विचार ही नहीं था। वह स्वेच्छा शासी एक पृथक के रूप में रहेंगे ऐसा उनके विचार में था और ऐसा नेहरू जी को भी आश्वासन बार बार दिया गया था परंतु वो विचार और वो आश्वासन दोनों 1959 में आकर के जब परम पावन जी की जीवन खतरे में पड़ गए थे और संपूर्ण जनता उस घबराहट में चीन के विरोध में खड़े हुए थे तब से वो सारा चीज़ समाप्त हुआ और एक नए प्रक्रिया तिब्बत में चला हुआ आप सब जानते ही हैं। उसके चलते लगभग 5-6 वर्ष तक उपद्रव को शमन करने के लिए दमन करने के लिए जो कुछ चक्कर चला वह एक बहुत बेहवा कहानी है जिसको मैं यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। उसके तत्काल पश्चात सांस्कृतिक क्रांति के रूप में कल्चर रिवोल्यूशन के नाम से जो वहाँ पर विद्वांस हुआ है वो भी सब समय स्पष्ट हैं। ये दोनों के चलते 20%